बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले अपना हाथ जोड़कर मौन रहकर आंखों को बंद कर हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पाठ का नाम क्या है? ईश्वर की मुक्ति योजना। ईश्वर द्वारा बनाया हुआ मनुष्य पाप किए और ईश्वर से दूर हो गए। ईश्वर ने मनुष्य को दंडित किया। कैसे दंडित किया? जल प्रलय द्वारा। उस समय नूह और उनके परिवार को ईश्वर ने बचाया। नूह के पुत्रों के द्वारा फिर से मानव जाति धरती पर फैल गई। मनुष्य का मन फिर से घमंड से भर गया। उनकी कीर्ति कायम रखने के लिए उन्होंने सोचा, स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक मीनार बनाऊं। ईश्वर उनके ऊपर अप्रसन्न हुए। आज हम देखते हैं, मानव ईश्वर के विरुद्ध पाप किए तो भी उन्हें त्यागने के लिए ईश्वर तैयार नहीं थे। उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर ने कुछ मार्ग तैयार किया। ईश्वर ने इब्राहिम नामक एक व्यक्ति को विशेष रूप से चुन लिया। इब्राहिम हारान देश का था और उनकी पत्नी सारा। वे दोनों ईश्वर की आज्ञा मानकर जीवन बिताते थे। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इब्राहिम अपनी पत्नी सारई तथा अपने बतीचे लोट को अपने साथ लेकर हारान छोड़कर कनान देश चला गया और वहां रहने लगा। प्रभु ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। इब्राहिम और सारे के संधान नहीं दे। वे दोनों ज्यादा उम्र के थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें एक पुत्र प्रदान करने की प्रतिज्ञा की। इब्राहिम ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। ईश्वर के कहनानुसार उन्हें एक पुत्र जन्मा, उसका नाम है इसहाक। इसहाक के भी पुत्र हुए एसाव और याकूब। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनके द्वारा इब्राहिम का वंश बढ़ गया। वे 12 गोत्र में बांटे गए। वे वास्तव उस देश में रहे जिसकी प्रतिज्ञा ईश्वर ने इब्राहिम से की थी। याकूब के वंशजों को इसराइल कहते हैं। याकूब के 12 पुत्रों में से एक था यूसुफ। याकूब का सबसे प्यारा बेटा था यूसुफ, लेकिन उसके भाइयों में
कुछ लोगों ने उससे बैर किया। उन्होंने उसे मिस्रियों को गुलाम के रूप में बेच दिया, लेकिन प्रभु ईश्वर यूसुफ के साथ था। ईश्वर की कृपा से यूसुफ मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त किया गया। याकूब के पुत्रों के देश कनान में अकाल पड़ा। वे अनाज खरीदने के लिए मिस्र में फिरौन के पास पहुंचे। प्रशासक यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। उसने उन्हें मिस्र देश में लाकर वहां रहने दिया। इस प्रकार इस्राएली लोग मिस्र में निवास करने लगे। यूसुफ की मृत्यु के कई वर्षों के बाद मिस्रियों ने उन्हें गुलाम बनाया और उन पर तरह तरह का अत्याचार किया। ईश्वर ने मूसा नामक नबी को चुनकर उनके द्वारा मिस्र की गुलामी से उन्हें छुड़ाया। तो बच्चों, आज हम सीख रहे थे ईश्वर की मुक्ति योजना के बारे में। तो आज का पाठ का उत्तर ढूंढे हम। इब्राहिम को ईश्वर ने कहां जाके रहने के लिए बताया था। ईश्वर ने इब्राहिम को चुनकर कनान देश में उन्हें भेजा। इब्राहिम के बेटे का नाम क्या था? इसहाक। इस्राएल नाम से कौन जाना जाता था? याकूब के वंशजों इस्राएल नाम से जाना जाता था। धन्यवाद।